दोस्तों, आप व्हाट्सएप चलाते हो, व्हाट्सएप की आई बटन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप व्हाट्सएप में कुछ भी नहीं जानते हो। अगर आई बटन के बारे में आप जान जाते हो तो कहिएगा कि काश पहले पता होता। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम व्हाट्सएप ऐप को ओपन करेंगे। व्हाट्सएप ऐप जैसे ओपन हो जाएगा तो किसी एक नंबर पर अगर आई बटन में हम सेटिंग करना चाहते हैं तो किसी एक नंबर की प्रोफाइल वाला फोटो पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का फीचर आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आई बटन का निशान, तो आई बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपको बहुत फीचर देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे ऊपर मिलेगा म्यूट नोटिफिकेशन का। जिस नंबर को आप सेलेक्ट किए हो उस नंबर से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी चैट आता है, उसको चाहते हो कि म्यूट रखे, वो जब मैसेज आए तो कोई भी नोटिफिकेशन टोन न बजे। तो यहाँ से इसको अगर ऑन कर देते हो उसके बाद में यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, 8 घंटे के लिए म्यूट रखना चाहते हो, या 1 वीक 1 सप्ताह के लिए म्यूट रखना चाहते हो, या एलवाइज हमेशा के लिए उस नंबर पे आप नोटिफिकेशन को म्यूट रखना चाहते हो। तो यहाँ से उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम 1 वीक सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। ये अब 1 सप्ताह के लिए यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो म्यूट में आएगा, कोई भी टोन नहीं बजेगा। उसके बाद में यहाँ पे नोटिफिकेशन टोन का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस नोटिफिकेशन टोन पे आप क्लिक कीजिएगा तो जो भी टोन आप लगाना चाहते हो, जैसे रिंग टोन होता है, उस टोन को यहाँ से सेलेक्ट करके आप लगा सकते हो। उसके बाद बैक आते हैं। बैक आएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण सेटिंग है, अगर इस सेटिंग के बारे में आप जान लेते हो तो बहुत कुछ जान लीजिएगा। कोई भी हमारा चैट आता है, कोई भी फोटो आता है, कोई भी वीडियो आता है, जब उसको हम डाउनलोड करते हैं तभी उसको देख पाते हैं, नहीं तो नहीं देख पाते हैं। जब उसको हम डाउनलोड करते हैं तो गैलरी में चला जाता है। अगर कोई प्राइवेट वीडियो आया है या प्राइवेट फोटो है, अगर उसको हम डाउनलोड करके देख कर व्हाट्सएप से डिलीट भी कर दिए तो भी हमारा गैलरी में वो रह जाती। तो इसको अगर यहाँ से हम क्लिक करेंगे और यहाँ से नो कर देंगे, पहले से डिफॉल्ट यस पर होगा, अगर नो कर देंगे तो यहाँ से सिर्फ हम व्हाट्सएप में उसको देख लेंगे और डिलीट कर देंगे, वो गैलरी में कभी भी नहीं जाएगा, गैलरी में कभी शो नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। मीडिया विजिबिलिटी को आप ऑफ करके रखिएगा तो व्हाट्सएप में कोई भी चैट आएगा, कोई भी वीडियो आएगा तो उसको डाउनलोड कीजिएगा तो सिर्फ व्हाट्सएप में रहेगा, वो गैलरी में कभी भी सेव नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इनक्रिप्शन का, इस पे क्लिक कीजिएगा। इनक्रिप्शन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का फीचर आएगा। आप किसी बंदे के पास चैट कर रहे हो, प्राइवेट चैट कर रहे हो या कोई भी चैट कर रहे हो, आपके अलावा कोई तीसरा बंदा तो नहीं देख रहा है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कंपेयर A6 डिजिट नंबर पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे 60 अंक का एक कोड आएगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये एक कोड आएगा, इसी कोड को आप जिस बंदे से चैट कर रहे हो सेम प्रोसेस से उसको ओपन करिए। अगर सेम टू सेम कोड यहाँ पे मैच कर रहा है तो समझिए कि आपका चैट है वो सेफ है, सिक्योर है, कोई तीसरा बंदा नहीं देख रहा है। उसके बाद यहाँ से हम बैक आते हैं। बैक आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसपेयरिंग मैसेज। ये पहले से हम लोग की व्हाट्सएप में ऑफ रहता है, ये भी कमाल का फीचर। हमारे व्हाट्सएप पर कोई भी चैट आता है, कोई भी फोटो आता है तो उसको हम पढ़ लेते हैं, जब तक उसको हम डिलीट नहीं करते हैं जब तक वो हमेशा उसी में सेव होकर रहता है, वो डिलीट नहीं होता है। इसको जब हम ऑन कर देंगे तो चलिए यहाँ से हम क्लिक करते हैं, इसको जब हम ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने का यहाँ पे टाइम भी आपको बताएगा, 24 घंटा के बाद आप डिलीट हो करना चाहते हो, 7 दिन के बाद, 90 दिन के बाद, अगर ऑफ करके रखिएगा तो कभी डिलीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम 24 घंटा पे क्लिक कर दिए, अब कोई भी इस नंबर पे मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिक वो 24 घंटा के बाद वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको चलिए हम ऑफ करके रखते हैं ताकि हमको इम्पोर्टेंट कोई मैसेज हो डिलीट हो जाए तो बहुत दिक्कत होगी। अगर आपके पास कोई प्राइवेट मैसेज आता है तो आप इस तरह का सेटिंग करके रख सकते हो। यहाँ से बैक आते हैं, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट लॉक का, ये भी कमाल का फीचर है। इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो आपके अलावा कोई भी आपका चैट को न पढ़ सकता है न देख सकता है। ये
चैट ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, अगर कोई देख भी लेता है तो इसको ओपन नहीं कर सकता है बिना आपके लॉक वेरीफाई किए हुए। तो इसको यहाँ से ऑन कीजिएगा, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू का आपको ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका पैटर्न अगर आपके फोन में लगा होगा तो पैटर्न वेरीफाई कीजिएगा, या यहाँ से फिंगर को आप वेरीफाई कीजिएगा तो ये यहाँ से चैट लॉक ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो तो एक लाइक दबा के जरूर जाइएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।